हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड वीडियो है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स वाला लिख के सर्च करें, और यूट्यूब पे मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 जिसमें मैंने आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 जिसमें बोहर मॉडल डिस्कस किया, उसको जरूर देखें। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 आपने नहीं देखा है बोहर मॉडल, तो ये लेक्चर उतना समझ में नहीं आएगा, तो उसको देख लें पहले, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम तो आप सबने सुन रखा होगा, वाइट लाइट के जो 7 कलर होते हैं जो बैंड पे बनते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस तरह से एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है। नील बोहर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर हम इस ट्यूब में कोई गैस ले लें, इस ट्यूब में क्या करें, कोई गैस ले लें, और उस गैस को हम नीचे से हीट कर दें। क्या कर दें, उस गैस को हीट कर दें। हमने इस गैस को लिया ट्यूब में और गैस को हीट किया। हीट करने के बाद देखा कि गैस में से कुछ रेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी, कुछ रेज, और कुछ पर्टिकुलर रेज निकल रही थी, कुछ पर्टिकुलर, है ना। जैसे मान लो इस गैस में से, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो इस गैस में से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड निकली। तो देखा गया कि ब्लू ग्रीन गायब थी, सिर्फ वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड दिखाई पड़ रहे थे। या देखा गया कि सबके सब गायब थी, सिर्फ रेड वाला कलर दिखाई पड़ रहा था, बाकी का स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब स्पेक्ट्रम का कुछ कलर मिल रहे थे और कुछ कलर उसमें से गायब हो रहे थे। कोई पर्टिकुलर कलर बहुत ज़्यादा था, कोई पर्टिकुलर कलर एकदम से एब्सेंट था। तो हीट करने पे गैस में से कुछ ना कुछ रेज निकल रही थी, और कुछ वेव्स थी और कुछ वेव्स नहीं थी। इसे स्पेक्ट्रम को इन्होंने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला या लाइन स्पेक्ट्रम बोला, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस जिसमें सारे कलर दिखें, एक डिस्क्रीट या लाइन जिसमें कुछ लाइंस ज़्यादा दिखें और कुछ लाइंस कम दिखाई पड़े। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो था वो डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूअस नहीं था। और इसी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर ने अपना पूरा मॉडल बनाया था, इसी बात को बताने के लिए। तो नील बोहर ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इसके लिए आप बोहर एटॉमिक मॉडल जरूर देखें, तभी आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बोहर ने बोला कि मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक, और यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में, फर्स्ट शेल में, ठीक है। उन्होंने बोला जब आप इस एटम को हीट कर रहे हो, नीचे से आप गैस को हीट कर रहे हो, गैस को हीट करोगे तो एक एक एटम भी हीट होगा। तो उन्होंने कहा इस हीट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को लेकर वो कूद गया आगे के एनर्जी लेवल में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल और ये थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ की एनर्जी याद है, मैं फिर से लिखता हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं चाहूँगा धीमे धीमे आपको भी याद हो, जो पहली शेल थी उसकी एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4 और तीसरे की -1.51। मतलब आप देख रहे हो इधर एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर हीट करने पे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो अब वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो उस एनर्जी को लेकर वो यहाँ पर कूद के आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहाँ आ गया। अब प्रॉब्लम क्या थी, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों, दुनिया में सब चीज़ें अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती हैं। जैसे आपसे बोले एक बिल्डिंग की एकदम टॉप पे जाके एकदम पॉइंट पे खड़े हो तो आपको डर लगेगा, और आपसे बोले आप यहाँ खड़े हो तो आसान लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता था। तो आपने हीट किया, हीट करने से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने, एनर्जी ज़्यादा हुई तो कूद कर बाहर आ गया, पर वो यहाँ रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। बच्चों, ये वाले एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, लोएस्ट, सबसे कम, देख रहे हो माइनस में, सबसे ज़्यादा नंबर मतलब सबसे कम हुआ ना, सबसे ज़्यादा नंबर है पर किस में, माइनस मतलब सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आना चाहता है, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक। अब बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वह एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँचा था, तो वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, रिटर्न्स बैक, एनर्जी इज इमिटेड। भाई, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके कूदा था, वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में इमिट हुई,
इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ्स, इन फॉर्म ऑफ यू कैन से लाइट, एक्चुअल में लाइट नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी. क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स. तो इस तरह से नील बोहर ने समझा दिया कि क्यों स्पेक्ट्रम बन रहा था. अच्छा, अब बात यह थी कि डिस्क्रीट था, कंटिन्यूअस नहीं था. तो बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ही एनर्जी लेवल है. -13.6 के बाद सीधा क्या दिख रहा है? -3.4. मतलब हर तरह के एनर्जी लेवल तो है नहीं. अगर हर तरह के होते, मान लो -13.6 के बाद -13.5, फिर -13.4, तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आता तो एक वेव, फिर अगले वाले में कूदता तो अगली वेव, अगले वाले में कूदता तो अगली, तो हर तरह की वेव होती. पर यहाँ तो कुछ पर्टिकुलर वेव्स ही होंगी. जैसे सबसे पहली वेव तब निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन कूद के सेकंड में जाएगा, वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा तो लौट कर वापस आएगा. वापस आने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, ये वाली एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब किया होगा, जो इसका डिफरेंस होगी, उसी एनर्जी को इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. उसके बाद जो अगली वेव निकलेगी, वो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और लौटते वक्त जो एनर्जी इमिट करेगा, एब्जॉर्ब तो हीट किया, लौटते वक्त कौन सी? रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगली जो एनर्जी निकलेगी वो इस डिफरेंस के बराबर होगी. अगली जो वेव होगी उसकी एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर, पहली वेव की एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर. मतलब कुछ पर्टिकुलर वेव्स ही तो निकल रही, हर तरह की एनर्जी वाली वेव नहीं निकल रही, कुछ पर्टिकुलर. पहली वाली जो वेव है उसका एनर्जी इतना, अगली वाली का एनर्जी इतना, तो फिक्स्ड है ना. मतलब एक फिक्स्ड एनर्जीज वाली वेव निकल रही है, इसीलिए कुछ कलर दिखाई पड़ रहे थे, कुछ कलर एब्सेंट थे, और ऐसे एक्सप्रेस किया नील बोहर ने. इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को बच्चों हम लोग बोलते हैं इमिजन स्पेक्ट्रम. कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिजन. हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन इमिजन से ही आते हैं, लास्ट में एब्जॉर्प्शन भी बताऊंगा, पहले इसको समझो. इमिजन स्पेक्ट्रम क्या है? इमिजन स्पेक्ट्रम, एटम को हीट किया, हीट करने से एक लोअर इलेक्ट्रॉन ने, छोटी एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब की, कूद कर बाहर वाली एनर्जी लेवल में आया, वहाँ पे स्टेबल नहीं था, वापस जाते वक्त एनर्जी को इमिट किया. किस फॉर्म में इमिट किया? रेडिएशंस के फॉर्म में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में आप कह दो. पर लाइट नहीं कह रहे क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज सब इन्वॉल्व होंगी. कुछ पर्टिकुलर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाके यहाँ लौटेगा तो ये एनर्जी वाली वेव, या तो यहाँ जाके यहाँ लौटेगा तो ये एनर्जी वाली वेव. इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वाली वेव्स ही मिल रही थी. ठीक, समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया. अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ देंगे तो क्या होगा, कौन सी वेव निकलेगी. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन. ठीक है, तो बात को भी समझना और इसका अंदर डिटेल भी बताएंगे. क्या कह रहे हैं ये? ये n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2. तो n इज इक्वल्स टू 2 पे कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच गया होगा, एनर्जी लेके पहुंचा होगा, है ना, हीट होकर पहुंचा होगा, ये बात नहीं बताई. जंप किया यहां से कहां? 1 पर. जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन. जब यहां से यहां जंप किया तो यहां से क्या निकली? एक रेडिएशन बाहर निकली. भाई इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे पहुँचा तो एनर्जी कम हुई, तो एक रेडिएशन बाहर निकली. तो पूछा है एनर्जी बताइए और वेवलेंथ बताइए एमिटेड रेडिएशन की. तो बच्चों एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी को हम बोल दें डेल्टा ई, विच शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकेंड लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल. जो एनर्जी इमिट होगी वो दो, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही तो होगी, होगी कि नहीं? जितनी इसकी एनर्जी होगी माइनस इसकी एनर्जी, वही एनर्जी बाहर निकल गई. तो E2 माइनस E1. अब अगर पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो E ऑफ NH शेल का फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू एन स्क्वेयर बटे जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था, सॉरी जेड स्क्वेयर बटे एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था ना. अच्छा, अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 1. ठीक है, तो हम E2 के लिए -13.6 इंटू Z की जगह, चलो अभी जेड स्क्वायर लिख लेते हैं, अपॉन एन स्क्वायर. एन की जगह कितना लिख लें? Z की जगह भी और चलो 1 लिख लेते हैं, और n की जगह कितना लिख लें? 2 स्क्वायर. माइनस E1 कितना होगा? -13.6 इंटू 1
अपॉन एन की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा 13.6 माइनस 13.6 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 माइनस 4 3 जा 12 16, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये रेडिएशन निकली इसकी एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालने का तरीका E2 माइनस E1, तो एक बात तो ये समझ में आ गई। ये भी बोहर का ही मॉडल का एक पोस्टुलेट था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करता है तो जो एनर्जी इमिट होती है रेडिएशन की, दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। मान लो हम बोलते हैं n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 पे आया, तो आप क्या लगाते, E3 माइनस E1। यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखते, 3 का स्क्वायर माइनस, मान तो बोलता 3 से 2 पे आया, कोई दिक्कत नहीं, तो E3 माइनस E2, उसी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी निकलेगी। चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात बच्चों इसमें पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन निकली उसकी वेवलेंथ क्या है। बच्चों जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी एनर्जी होती है hc/λ। तो इसको आप नोट्स में डालेंगे, hc/λ, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। h मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, 6.636 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड्स, है ना, 6.636 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड्स। सी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और बच्चों ई क्या है, एनर्जी ऑफ वेव, ई क्या है, एनर्जी ऑफ वेव। तो बच्चों जो वेव इस बार निकली है उसकी एनर्जी किसके बराबर थी, डेल्टा ई के बराबर, जो कि आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एनर्जी को यहाँ रख दो, आपको लैम्डा मिल जाएगा, तो एनर्जी की जगह 10.2 hc/λ। अब बच्चों इसका एक शॉर्टकट भी है, चाहो तो h की वैल्यू रखो पहले, hc/λ, h की वैल्यू 6.636 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड्स, 3 इंटू c की जगह 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड और अपॉन लैम्डा। और बच्चों ये किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यहाँ वर्क किस में है, जूल में, तो इसको कन्वर्ट करो जूल में। तो मैं आपको इतना कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक। आप ये मत करो कि h की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, अगर एग्ज़ाम में आपको फोर्स कर रहा है तो रख लेना, पर अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, मतलब मैं चाहता वैल्यू रखता इसकी, और एनर्जी किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जूल, तो इतना कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। शॉर्टकट ये है बच्चों, ई इज इक्वल्स टू 1.2375/λ। देखो h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो उनकी जगह हमने वैल्यूज रख के ये डाल दिया, यहाँ e को रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आंसर लैम्डा का अपने आप आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग में, किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग। तो इस शॉर्टकट को कॉपी में डाल लो, अब तुमको h की वैल्यू c की वैल्यू रख के लैम्डा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करो, एच सी की जगह शॉर्टकट में 1.2375, ई को किस में रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। चलो अब इसको परफॉर्म कर देते हैं हम, आपने अब तक ये लिख लिया होगा। तो हमारी एनर्जी कितनी आई थी, 10.2, तो मैंने इधर लिखा 10.2 1.2375/λ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बटे 10.2, और ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट दी आंसर कि कितनी वेवलेंथ बनी। तो बच्चों एक तो ये तरीका हो गया जनरल, पर हुआ क्या कि इसके लिए पूरा जो टॉपिक बना एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसमें क्या करेंगे हम, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएंगे जो खटाक से आंसर दे लैम्डा का, खटाक से आंसर दे किसका, लैम्डा का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, चलो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप किया n इज इक्वल्स टू n2 से टू n इज इक्वल्स टू n1 तक, तो हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन n2 से कहाँ आया, n1 का, तो जो डेल्टा e होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, en2-en1 के, और यही डेल्टा e किस में चेंज होगा, रेडिएशन में। तो रेडिएशन की एनर्जी क्या बताई हमने आपको, hc/λ इज इक्वल्स टू en2-en1, en2 का फॉर्मूला बोलो, -13.6 इंटू क्या होगा, z² / n2 का स्क्वायर, माइनस en1 का, एनर्जी ऑफ nh शेल का फॉर्मूला क्या है,
-13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ई एन वन का पहले तो ये माइनस लगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये एनर्जी इमिट हुई क्योंकि एन टू से एन वन आया, और वही एनर्जी किस में चेंज हो गई, रेडिएशन में। रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बराबर लैम्डा। ठीक है, अभी कुछ चेंज मत करना, मैं बताता जा रहा हूँ, मेरी बात फॉलो करो। एच सी बाय लैम्डा इधर बच्चों, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, तो मैंने यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच्चे का 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। अब आप एक काम करो बच्चों, अब एक काम करो, आप इस टर्म को एच सी से डिवाइड और एच सी से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात मानो। इस टर्म को क्या किया मैंने, एच सी से डिवाइड किया और एच सी से मल्टीप्लाई किया, प्लैंक कांस्टेंट और सी से डिवाइड और सी से मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, एच सी कैंसिल हो गया पहली बात तो। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, आपको एक्सप्रेशन मिला 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू 13.6 बराबर एच सी इंटू जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वेयर। आप ध्यान से देखो, आपका काम तो बन गया, आपको लैम्डा चाहिए था, आपको सीधा वेवलेंथ चाहिए थी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स्थ से फोर्थ पे आया, कहाँ आया, सिक्स्थ से फोर्थ पे, तो आप 1 बाई लैमडा इज इक्वल 13.6 अपॉन एच सी जेड, जो भी एटॉमिक नंबर हो, 1 अपॉन कहाँ पे आया, फोर्थ पे, फोर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कहाँ से आया, सिक्स, सिक्स का स्क्वायर। आगे बताते हैं, अभी और चीज़ें हैं इसी फॉर्मूले में। यहाँ तक समझ में आया, आपको इसकी डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको करा दे रहे हैं, सीधा फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आपको समझा रहे हैं क्या चीज़ कैसे आ रही है, स्कूल में बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं टीचर्स। तो 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू 13.6 बराबर एच सी इंटू जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वेयर। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों ये जो टर्म है 13.6 अपॉन एच सी, 13.6 अपॉन एच सी, अब देखो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो मैंने वैल्यूज रख दी दोनों की, आप समझ गए ना, एक नया कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, इससे बना एक नया कांस्टेंट, 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वेयर। ये बन गया परफेक्ट फॉर्मूला, और यहाँ पे R क्या है, R है 13.6 बटे एच सी, और R फेमस है रिडबर्ग कांस्टेंट नाम से, किस नाम से, रिडबर्ग कांस्टेंट, किस नाम से, रिडबर्ग कांस्टेंट, किस नाम से, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, R की जो वैल्यू होती है वो याद नहीं करनी है, वो याद नहीं करनी है, 1.09 × 10⁻¹⁷ मीटर इनवर्स, बट आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे क्या याद करना है, अभी मत याद करना है, इसको लिखने को लिख लो, नोट्स अगर बना रहे हो तो ठीक है। अब समझ में आया ये वाला फॉर्मूला जो किताब में दिया है कहाँ से आया है, ये किसका फॉर्मूला है, स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला कहाँ से आया किताब में, अभी एकदम क्लियर हो रहा है कि वही डेल्टा ई, ई एन टू माइनस ई एन वन किसके बराबर किया, एच सी बराबर लैम्डा, फिर ये एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया वगैरह वगैरह, इसको मैंने आर बोला और ये फॉर्मूला बना, और R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू है जिसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है, इसको मैं एक साइड में लिख लेता हूँ। अब यहाँ से आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि इसी के सहारे टॉपिक पार होगा हमारा। तो हम बोलेंगे 1 अपॉन लैमडा, वेयर लैमडा इज द वेव लेंथ ऑफ दैट रेडिएशन जो बाहर आई है, इज इक्वल्स टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट जेड एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ थी उनके अलग अलग बंडल बनने लगे, नहीं आए समझ में, आओ समझाते हैं। चलो हम मानते हैं यहाँ पहला एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 1, और n इज इक्वल्स टू 1 के बाद ये दूसरा एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ तीसरा एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ चौथा एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 4, एनर्जी लेवल्स बना रहा। ठीक है, एनर्जी बढ़ रही, इधर ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज कर रही। इस डायग्राम में भी कुछ बात अगर आप ध्यान दे रहे हो कि ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा, पहले डिफरेंस बहुत बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा, फिर और छोटा, पास होते जाते हैं।
अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो पहले शेल की एनर्जी कितनी होती थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की एनर्जी कितनी आती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की एनर्जी कितनी आती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे की कितनी आती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बेटर होगा कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी हो। आप देखो ध्यान से, पहले डिफरेंस बहुत बड़ा है, फिर छोटा हो गया डिफरेंस, है ना। पहले देखो 10 के आसपास का डिफरेंस, फिर तुम्हारा 1.8 का डिफरेंस, फिर देखो और डिफरेंस कम हो गया। इसी तरह से डिफरेंस कम होता जाता है और लाइंस क्लोज होती जाती हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये तो हमने एनर्जी लेवल बनाए हैं, मतलब ये एटम की ऑर्बिट है। बोहर के अकॉर्डिंग ये एटम की ऑर्बिट है। ये है क्या असल में, ये के लेवल है, ये एल लेवल है, ये एम है और ये के एल एम एन है ना। जैसे ये के एल एम एन, सबसे अंदर वाले की एनर्जी -13.6, फिर -3.4, फिर -1.51, फिर -0.85, ऐसे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस गया, यहाँ से वापस गया, ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे गया, इलेक्ट्रॉन 3 से भी 1 पे जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 से भी 1 पे जा सकता है, जा सकता है कि नहीं। कि इलेक्ट्रॉन 1 वाला था, जंप करके 2 पे चला गया था हीट होके, वापस 1 पे आया, 3 पे चला गया था 3 से 1 पे आया, 4 पे चला गया था 4 से 1 पे आया, या हो सकता हो 5 पे चला गया हो, 6 पे चला गया हो, 7 पे चला गया हो, या डंग 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 फाइनली कहाँ पहुँच जाओगे आप, इन्फिनिटी से, है ना। तो हो सकता हो 5 से आया हो सकता हो 6 से आया हो, ना 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 ना, ना इन्फिनिटी से आया हो। ठीक है, ये जो बच्चों वेव निकली जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे लौट के आया, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट पे लौट के आया, तो जो वेव निकली उस वेव का नाम दिया लाइमन वेव। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, ये वाली वेव्स को, तो लाइमन वेव दिया। और ये जो सारी वेव्स हैं इस सीरीज का नाम दिया, ये जो सारी वेव्स की सीरीज बन रही हैं, एक वेव 2 से 1, एक 3 से 1 आया, एक 4 से 1, सब अलग अलग लैम्डा होंगे अलग अलग, उसका नाम दिया लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज। अभी समझ में आएगा, थोड़ा मैं डिटेल में चलता हूँ। आप एक काम करो, आप कैलकुलेट करो मेरे लिए, कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स मतलब वापस आना, डी एक्साइट्स फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 2 टू एन इज इक्वल्स टू 1 और ले लो, चलो पहले ये अलग करते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1। तो अब सीधा फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1 अपॉन, कहाँ पे आया है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वेयर -1/2। ठीक है, और एटम कौन सा है, एटम हाइड्रोजन का है, तो एटॉमिक नंबर कितना ले लिया मैंने, हाइड्रोजन एटम का 1। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, जेड की जगह 1 रखा, आर की वैल्यू मत रखना, बताते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4 हो जाएगा ना, एलसीएम 4 में, ठीक है 3/4। अब यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3 r, यही होगा 4/3 r। ठीक है, अब एक बात सुनो, r की वैल्यू मत याद करना, आप याद करो 1/r, 1/r होता है बच्चों 911 angstrom। खत्म, लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट पे शॉर्टकट सब बताऊंगा। मैंने पहले तुमको एनर्जी वाली एक शॉर्टकट कहानी बताई, अब एक ही शॉर्टकट पकड़ो, कैसे निकालेंगे सर वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंस निकाल, नहीं नहीं ऐसे निकालो, जो पहले मेथड बताया वो एक लेंदी मेथड था, वो भी यूज करेंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। मान लो कभी उठा के एनर्जी दे दी, तो कभी मान लो तुमको एनर्जी का डिफरेंस दे दिया, तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। मान लो तुमसे बोला कि जो एनर्जी इमिट हो रही है वो इतनी है, तो बताओ वेवलेंथ कितनी है, तब तुमको डेल्टा इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा ही लगाना पड़ेगा। पर मान लो ऐसे देता है कि एन इज इक्वल्स टू से बनाया, तब ऐसे कर लेंगे। अब 1/r की वैल्यू याद कर लो 911, आर की वैल्यू नहीं, 1/r की वैल्यू याद कर लो 911, 1/r की। अब यहाँ पे आओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 और 1/r कितना हो गया 911 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं 912 मान लूँ, वैसे भी अप्रॉक्स वैल्यू है, काटने के लिए ताकि कट जाए, तो 4 इंटू माना ऐसे 3 3 9 3 3 4 12, तो लैम्डा हो जाएगा 4 4 16 1 4 3 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाली जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है 1216 एंगस्ट्रॉम, एन इज इक्वल्स टू से एन इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं,
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं कर दूं, n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 3 रखोगे तो यहाँ पे बस चेंज होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, और ये 9-1 ये 8/9 हो जाएगा, और ये उधर जाके 9/8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 9/8 लिख लेंगे हम, यही तो डिफरेंस होगा, सही कर रहा हूँ ना, 9/8, और ये भी 9/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो 9/8 के टर्म्स में, ठीक है। सो 8 1 8 11 8 2 8 1 8 32 8 4 32 लैम्डा 9 4 36 3 9 9 और 3 12 2 9 9 और 1, तो 1026 एंगस्ट्रॉन्ग आ रही है अगली लाइन, ये वाली लाइन कितनी आ रही, 1026 एंगस्ट्रॉन्ग आ रही, कम हो रही है ना वैल्यू, कम हो रही है ना वैल्यू, हाँ कम हो रही है ना। चलो आगे और देखते हैं, 10 अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हैं, 9 4 36 3 9 9 3 12 2 1 9 9 10, 1026 एक और देखते हैं कैसे कम हो रही है। तो n इज इक्वल्स टू, चलो ये वाली कैलकुलेट कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 1, है ना, कम होती जा रही है, अभी और कम दिखेगी, n इज इक्वल्स टू 5 वाली कहाँ गई, 3 4 5 वाली, ये और कम हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और अगर आप सबसे आखिरी वाली इन्फिनिटी वाली देखोगे तो वो बहुत ही कम होगी, सीधा वही निकाल दूं मैं, अब समझ तो आप गए हो, इन्फिनिटी वाली देखो तो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1² माइनस 1/n2² ये लगा दो, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, जेड की जगह 1 रखा, 1/ जहाँ पे आए 1 पे आए, कहाँ से आए, इन्फिनिटी से आए, तो 1/∞ कितना होता है, करीब करीब 0 होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और 1/∞ इज 0, तो ये टर्म तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 0, 1/∞ इज 0, सो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर और क्या बचेगा, इंटू 1, बस यही बचेगा 1/1 है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r और 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम, तो आप देख रहे हो जो आखिरी वाली रेज है जो इन्फिनिटी से आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 911, तो देख रहे हो और कम हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल्स टू 1 पे आओ तो बोलोगे लास्ट लाइन ऑफ, सॉरी बाल्मर बोल दिया, ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द लास्ट लाइन, और बीच में और भी कुछ वेव्स होंगी। अब बच्चों इसी को उन्होंने बोला डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है भाई, कैसा स्पेक्ट्रम है भाई, डिस्क्रीट, जो पहली वेव तुमको दिखाई पड़ी वो 1216 एंगस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ है, उसके बाद 1026 दिखी, बीच में देखो कुछ वेव्स गायब हैं, 1200 वाली नहीं है, 1100 वाली नहीं है, 1150 नहीं है, तो कुछ कुछ रेडिएशन गायब थी और कुछ कुछ रेडिएशन दिख रही थी ये वाली बच्चों तुम। अच्छा एक चीज़ और अजीब लग रही है ना कि सबसे छोटा डिफरेंस पर वेव सबसे बड़ी आ गई, सबसे छोटे डिफरेंस में वेव सबसे बड़ी और सबसे बड़े डिफरेंस में वेव सबसे छोटी, तो ऐसा होना बहुत ही लाजमी है बच्चों, और उसका रीज़न क्या है, रीज़न कहाँ पे मैं बताऊँ, ये सब लिख लिया आपने, होपफुली लिख लिया होगा अब तक, आपने नोट कर लिया होगा, रीज़न बच्चों ये है कि एनर्जी ऑफ वेव जो थी हमने आपको बताई थी hc/लैम्डा, बताई थी कि नहीं, तो आप देख रहे हो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेल्टा ई जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, यहाँ पे देखो डेल्टा ई सबसे बड़ा है, ये 13.6 और ये वाला 0, यहाँ की एनर्जी कितनी होती है 0, डेल्टा ई जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी, डेल्टा ई जितना छोटा वेवलेंथ उतनी बड़ी, तो जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़े ट्रांजिशन से आती है, जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़े ट्रांजिशन से आती है, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटे ट्रांजिशन से आती है, तो याद रखना कि एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा वेव उतनी छोटी, एनर्जी का डिफरेंस जितना छोटा वेवलेंथ उतनी बड़ी। इस पूरी सीरीज को हमने बोला लाइमन सीरीज, अगर आपसे कोई कहे कि लाइमन सीरीज की लिमिट बताओ तो आप बता देना 1216 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 911 एंगस्ट्रॉन्ग तक, 911 सबसे छोटा है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, जब सबसे बड़ा ट्रांजिशन, 1216 सबसे बड़ा है कब आएगा, जब सबसे छोटा ट्रांजिशन। इस पूरी वेव सीरीज को हमने बोला लाइमन सीरीज, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ये वाली सेकेंड लाइन, ये
थर्ड लाइन, कोई कहे आप लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन की वेवलेंथ बताओ, तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये बच्चों लाइमन सीरीज थी। तो लाइमन सीरीज में बच्चों खास बात क्या थी, अगर हम बोले कि लाइमन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला चेंज कर दो, चेंज दिस फॉर्मूला फॉर लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में खास बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, पर आएगा कहाँ, एन इज इक्वल्स टू वन पे, मतलब ये जो है एन वन की वैल्यू वो किस में चेंज हो जाएगी, वन पे, वन बाई लैमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन आ तो कहीं से भी सकता है, पर कहाँ पे आएगा, हमेशा एन इज इक्वल्स टू वन पे। अगर मैं पूछूँ इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है इस सीरीज की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे 911 एंगस्ट्रॉम। कब मिलेगी, जब सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन करोगे, है ना, लॉन्गेस्ट बोल दूँ, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन करोगे, जब सबसे लंबा ट्रांजिशन करोगे सबसे छोटी वेवलेंथ। और मैं पूछूं लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि सवाल आते हैं यहां से, लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, 1216 एंगस्ट्रॉम। कब मिलेगी, जब सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन करेंगे हम, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब जस्ट ऊपर से ट्रांजिशन कर लिया। तो ये बात बच्चों हुई लाइमन सीरीज की, ठीक है, लाइमन सीरीज समझ में आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम इसको मिटा दें, 1 2 3 4 5 कर लिया नोट, पॉज करके कर लें, चलिए ठीक, अच्छा तो लाइमन सीरीज की बात हो गई। बच्चों मैं फिर से इसी को बना रहा हूँ, इस सीरीज को, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू टू, अब मैं एनर्जी नहीं लिखूंगा, 3 4 एंड 5। मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आए, या मान लो 4 से 2 पे आए, या मान लो 5 से 2 पे आए, या मान लो 6 से 2 पे आए, या मान लो 7 से 2 पे आए, मतलब कहीं से भी गिर के कहाँ पे आए, 2 पे आए। तो बच्चों ये जो सीरीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरे, 2 पे, मतलब आ तो कहीं से भी सकता है, पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 2, कहीं से भी ऊपर से गिर रहा हो इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाली एनर्जी लेवल से, ये क्या थी, के एल एम एन ओ, तो m से भी गिर सकता है, n से भी, o से भी, है ना, हीट होके कहीं ऊपर चला गया होगा, कहीं से भी गिर सकता है, पर कहाँ पे गिरे, अगर 2 पे गिरे तो उस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज की अगर हम आपसे कहें, आप हमको शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो अब आपको तरीका समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जब इन्फिनिटी से आएंगे हम, इन्फिनिटी से 2 पे, जब इन्फिनिटी से कहाँ आए, 2 पे, और लॉन्गेस्ट कब होगी, जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा, किस सीरीज की बात हो रही है, बाल्मर की, आना कहाँ पे है, 2 पे, तो शॉर्टेस्ट ही वाली होगी, जब कहाँ से कहाँ है, सॉरी लॉन्गेस्ट ही वाली होगी, जब 3 से 2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है सबसे छोटे ट्रांजिशन में, शॉर्टेस्ट मिलती है सबसे लंबे। तो आइए निकाल लेते हैं, अगर कोई हमसे बोले शॉर्टेस्ट बताओ, तो यार शॉर्टेस्ट बताने के लिए हम सबसे लंबा ट्रांजिशन इन्फिनिटी से, बाल्मर मतलब कहाँ पे आना है, 2 पे, तो 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर, 1 अपॉन कहाँ आना है, 2 पे, 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से, इन्फिनिटी का स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी, 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z की वैल्यू 1, सब हाइड्रोजन की बात होगी, r 1/4 और ये तो 0 हो गया, यहाँ से लैमडा कितना हो जाएगा, 4/r, यानी 4 इंटू 1/r, और 1/r की वैल्यू आपको याद रखनी है 911 एंगस्ट्रॉन्ग, इसलिए कह रहा था r की वैल्यू मत याद रखो, तो 4 इंटू 911 एंगस्ट्रॉन्ग, 4 1s 4, 4 1s 4, 4 9s 36, 3644 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये वाली वेवलेंथ 3644 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 3644 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आइए लॉन्गेस्ट निकाल लेते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज की, बाल्मर की, कब आएगी, जब कहाँ से कहाँ आए हम, 3 से 2 पे आए, तो 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू आर जेड की जगह 1 स्क्वायर, 1 अपॉन कहाँ आएंगे, 2 का स्क्वायर, कहाँ से आएंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई लैमडा इज इक्वल्स टू आर 1/4 माइनस 1/9, तो एलसीएम हो जाएगा इस बार 36, ये 9 माइनस 4, 5/36 इंटू आर 1/λ, ये तो अच्छी कैलकुलेशन हो गई, कोई बात नहीं, लैमडा इज इक्वल्स टू 36/5 इंटू 36/5 इंटू 1/r, 1/r की जगह 911, 36/5, 1/r की जगह 911, और मैं 910 लग रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 36 इंटू 5
5, ये सही लिया ना, 9, 4, 36, 9, हट गया, 5 5 41, 5 8 40, 10 5 2 10, तो 182 इंटू 36, तो कितना हो जाएगा, 36 into 182 into 36, तो 6 2 12 6 8 48 49 4 6 6 4 10 3 2 6 3 8 24 3 1 3 or 2 5 2 9 6 15 1 5 or 6 6 5 5 2, अप्रॉक्स है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो क्षमा कर देना, अप्रॉक्स वैल्यू यही है, 6000 के आसपास ही आती है, 6552 आ रही एंगस्ट्रॉम, ओके, कुछ गलत हो तो कमेंट करके बता देना, इसमें कोई मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है आप, ठीक है। तो लाइमन सीरीज समझ में आ गया जब एन इज इक्वल्स टू 1, और बालमर जब एन इज इक्वल्स टू 2, और फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकेंड लाइन क्या होती है, थर्ड लाइन क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे और लॉन्गेस्ट। थोड़ी सी चीज़ें और देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक डायग्राम पूरा बना देता हूँ, अब यहीं पे आपको समझा भी देता हूँ सब चीज़ें। मैं इस फॉर्मूले को हटा लूँ यहाँ से, थैंक यू, ठीक है, अब एक डायग्राम में इस पूरी कहानी समझो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, मैं बना जैसा बनाऊँ, लाइन ऊपर जाते वक्त क्लोज हो जाएंगी, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ऊपर और क्लोज होती जाएंगी, 7th एंड, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी कहीं, ठीक। तो अब मेरी बात सुनना, अगर कहीं से भी गिर के फर्स्ट पे आता है इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी गिर के फर्स्ट पे आता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन गिर के कहाँ आया, फर्स्ट पे, किस फॉर्मूले में, 1 by lambda इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1² - 1/n2² में, अगर इलेक्ट्रॉन गिर के कहाँ आता है, फर्स्ट पे, यानी n1 की वैल्यू अगर 1 है, तो इस पूरी सीरीज को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। लाइमन सीरीज की ओपनिंग क्लोजिंग तुम देखो क्या थी, मेरे ख्याल से 911 एंगस्ट्रॉम से लेके कुछ 3600 कुछ समथिंग थी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं दिख रही, मैंने लिखी थी मैं भूल गया, 911 से 3600 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये जो वेव्स होती हैं ये विजिबल नहीं होती है ना, 911 एंगस्ट्रॉम हमको दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखना स्टार्ट होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से, है ना, हमको ये दिखती है सिर्फ, हमको सिर्फ क्या दिखती है, विबग्योर, है ना, हमको जो विजिबल लाइट दिखती है वो क्या है, विबग्योर, और विबग्योर की जो स्टार्टिंग है वो करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम पे है और एंड करीब करीब 8000 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है, 7600 7800 इस पे एंड होता है, 7800 7876, तो 4000 से 8000 तक हमको विजिबल है, बाकी वेव्स हमको विजिबल नहीं। तो ये जो लाइमन सीरीज है ना बच्चों, ये फॉल करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है, सारे सवाल आ सकते हैं, किस में फॉल करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रेज होती हैं ये, तो ये वेव्स हमको दिखाई नहीं पड़ती। मान लो एन इज इक्वल्स टू 2 पे इलेक्ट्रॉन गिरा, 3 से गिरा, 4 से गिरा, 5 से गिरा, 6 से गिरा, 7 से गिरा, 8 से गिरा, या इन्फिनिटी से गिरा, तो ये जो सीरीज है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरा, 2 पे, तो इसको हम बोलते हैं बालमर सीरीज, ठीक है, और बालमर सीरीज की हमारी रेंज क्या बन रही थी, सबसे पहली वेव हमारी कहाँ पे आएगी, सबसे छोटी वाली ये आएगी ना, यानी इन्फिनिटी से 2 पे, सो 1 by lambda इज इक्वल्स टू, आपको याद है क्या, आर जेड की वैल्यू 1 1/2² - 1/∞, तो 1/4, तो लैम्डा हो जाएगा 4/r, यानी 4 × 911, तो 3, तो सबसे बड़ी आ गई, 4 × 4 4 × 4 4 9 36, 3 6 4 4, ये वाली बनी है ना, तो ये वाली बनी 3 6 4 4 एंगस्ट्रॉन्ग, सबसे छोटी आई होगी ना, और सबसे बड़ी इधर से आई थी 6 5 5 2, तो 3 6 4 4 से करीब करीब 6 5 5 2 एंगस्ट्रॉन्ग है ना, अप्रॉक्सीमेटली ऐसी आई, कौन सी सीरीज, बालमर। तो आप देखो बालमर कहीं ना कहीं विजिबल रीजन में फॉल कर रही है, देखो 4000 5000 सब इसके अंदर है, तो जो बालमर सीरीज है ये हमारी विजिबल रीजन में फॉल करती है, जबकि लाइमन सीरीज विजिबल में फॉल नहीं करती। इसी तरह से बच्चों सीरीज आगे भी बढ़ी, लाइमन बली, बालमर बनी, फिर एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी एक सीरीज बनी, मान लो 4 से 3 पे आए, 5 से 3 पे आए, 6 से 3 पे आए, 7 से 3 पे आए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बच्चों जब हम गिर कर n1 इज इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, तो लाइमन बालमर पैश्चन, इसको हम बोलते हैं पैश्चन सीरीज,
लाइमन बाल्मर पैशन सीरीज इसको हम बोलते हैं। अब पैशन सीरीज की वेवलेंथ रेंज क्या है ये तो मुझे याद नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो तो आप इन्फिनिटी से थ्री वाला ट्रांजिशन रख देना, यहाँ पे थ्री यहाँ पे इन्फिनिटी और कैलकुलेट। अगर मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट निकालो तो आप फोर से थ्री रख के कैलकुलेट कर लेना। ये विजिबल के बाद आती है और ये शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में जाती है, क्योंकि विजिबल के बाद इंफ्रारेड होता है तो शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में है ये। इसी के बाद इसी तरह से n इज इक्वल्स टू फोर के लिए भी नाम है, फाइव से आए, सिक्स से आए, सेवन से आए, एट से आए या इन्फिनिटी से, कहाँ पे आए, फोर पे आए बच्चों। इसको हम बोलते हैं लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अगर कहाँ पे आए, फोर पे आए तो ब्रैकेट। आपसे कहा ब्रैकेट सीरीज की सेकंड लाइन बताओ, तो ब्रैकेट सीरीज मतलब फोर, ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड, तो फाइव और फोर रख के आप आंसर निकाल दोगे। आपसे कहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ तो इन्फिनिटी से फोर पे आ जाना। इसी तरह से फिफ्थ पे जब आते हैं बच्चों, सिक्स से आए, सेवन से आए, एट से आए या इन्फिनिटी तक से आए, अगर हम फिफ्थ पे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं फंड सीरीज, पी एफ यू एन डी, फंड सीरीज। इसी तरह से बच्चों अगर हम सिक्स्थ पे आते हैं, सेवन से आए, एट से आए, नाइन से आए या इन्फिनिटी, मतलब हम फाइनली कहाँ पे आए, सिक्स्थ पे अगर आए तो इसको हम बोलते हैं हम्फ मेरी सीरीज, हम्फ फेरी सीरीज, ठीक है। तो जो सवाल है आप भी समझ रहे हो, ज़्यादातर लाइमन बाल्मर और पैशन में ही फंसते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो लाइमन बाल्मर के आते हैं, ठीक है। इसके आगे के सवाल नहीं पूछे जाते ये, पर ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर इलेक्ट्रॉन गिर के वन पे आता है तो हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, टू पे आता है तो बाल्मर बोलते हैं, थ्री पे आता है तो पैशन, फोर पे आता है तो ब्रैकेट। अब देखो वेव्स लगातार देखो बढ़ रही हैं, 3600 के बाद कहाँ पहुँचे, 3644 पे पहुँचे, है ना, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये और बड़ी हैं, ये और बड़ी हैं, मतलब अगर आप वेवलेंथ पूछो तो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। लाइमन की वेवलेंथ सबसे छोटी होती हैं, उसके बाद बाल्मर की होती हैं, उसके बाद पैशन की, ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट भी हमारा शॉर्ट इंफ्रारेड में ही आता है, किस में आता है, शॉर्ट इंफ्रारेड में। और ये दोनों हमारे ना फंड और हेमिस्फेरी आते हैं लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में, लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। तो विजिबल सिर्फ कौन है, बाल्मर, इसलिए बाल्मर की डिस्कवरी भी पहले हुई थी। और बाल्मर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया था, असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहानी अलग थी, बाल्मर ने एक दूसरा, अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रम पहले डिस्कवर हुआ था एज कम्पेयर टू बोहर एटॉमिक मॉडल, जबकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर्स आपको तो पहले बोहर पढ़ाते हैं, तब ये बाल्मर ने पता है, ये एच सी वर्मा में पूरी कहानी दी हुई है, ये फिजिक्स में भी आपका टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ में, तो एच सी वर्मा में पूरी कहानी बताइए कि बाल्मर ने डिस्कवरीज की कर ली थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, एक छोटे से पार्ट की सिर्फ इस सीरीज की, और बाल्मर इसके ऊपर एक नया फॉर्मूला पूरा बनाया था उसने, ये फॉर्मूला नहीं था उनका, वो फॉर्मूला लेके वो नील बोर से जब उन्होंने डिस्कशन किए काफ़ी, तो बोर को समझ में आया कि वो फॉर्मूला पर्टिकुलर इसमें लग रहा है, मैं ऐसा फॉर्मूला बनाऊँ सब में लगे, तो बोहर ने कंक्लूड करके अपना मॉडल दिया जहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया और एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे लिए सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कैसे आप शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है, कैसे वेवलेंथ निकालनी है। और वो पहला वाला पॉइंट भी मत भूलना, मान लो कभी एनर्जी का डिफरेंस दे दे तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा करके सॉल्व कर देना, ठीक है। अच्छा बाकी रिवाइज करके वीडियो देखना, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक और क्वेश्चन बच्चों आता है जो कि होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन का या नंबर ऑफ वेवलेंथ का या नंबर ऑफ लाइंस का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए बच्चों, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा फोर से फर्स्ट पे आ रहा, तो बच्चों फोर से फर्स्ट पे आने का तरीका है कि फोर से फर्स्ट पे आ जाए, तो एक तो ये वेवलेंथ होगी, कौन सी, जब वन बाई लैमडा निकालोगे आर जेड स्क्वेयर, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर। पर हो सकता हो वो फोर से पहले थ्री पे आए और थ्री से टू पे आए और टू से वन पे आए, तब तो अलग अलग तरह की वेवलेंथ दिखेगी, एक ये वाली वेवलेंथ, एक ये वाली, एक ये वाली। या हो सकता हो वो फोर से थ्री पे आए, टू पे आए और टू से वन पे आए, या हो सकता हो फोर से थ्री पे आए और थ्री से वन पे आए, तो अलग अलग तरह की वेवलेंथ दिख रही। अब इसमें कितनी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ है इनको पहचानो, एक तो ये है फोर से वन वाली, एक ये फोर से थ्री वाली, एक ये थ्री से टू वाली, एक टू से वन वाली, एक फोर से थ्री वाली, और ये वाली तो नहीं गिनोगे क्योंकि ये पहले ही गिन चुके हो, ये वाली भी नहीं गिनोगे, ये भी पहले गिन चुके हो, और एक ये वाली डिफरेंट है। इतने तरह की वेवलेंथ मिल सकती है अगर इलेक्ट्रॉन वन से फोर पे पहुंचा है।
अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 4 पे पहुंचा है तो इन तरह की वेवलेंथ तुमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ सकती है। हो सकता हो 4 से 1 पे आए तो ये वाली वेवलेंथ, 4 से 3 पे आए तो ये वाली, 3 से 2 पे आए तो ये वाली, 2 से 1 पे आए तो ये वाली, या 4 से सीधा 2 पे आ जाए तो वेवलेंथ। अब ये वाली वेवलेंथ तो गिन चुके हैं ना एक बार, तो उसको फिर से नहीं, तो कितनी वेवलेंथ है 1 2 3 4 5, और इसको भी नहीं गिनना क्योंकि ये भी गिन चुके हैं, 6। तो 6 ट्रांजिशन या 6 लाइंस आप बोल सकते हो, 6 ट्रांजिशन या 6 लाइंस ऑफ वेवलेंथ या 6 लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म्ड। तो इस ट्रांजिशन में 4 से 1 में कितनी लाइन दिख रही, 6। तो यार इसको कैसे निकाला जाए, तो जैसे आपने निकाल लिया, अब मान लो हम आपसे बोले कि 5 से 1 तक जा रहा है, तो आप बनाओगे 5 4 3 2, है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से 1, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 5 से 3, मतलब कितने बनेंगे यार, और फिर कौन से रिजेक्ट करने हैं। तो इसका एक शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं, किस चीज़ का शॉर्टकट है ये, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, क्या शॉर्टकट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, n2 - n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। ये लगा दो, सीधा पता चल जाएगा कितनी डिस्क्रीट अलग अलग, कितनी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। जैसे 4 से 1 वाले पे हमने देखा था आंसर 6 आया था, आओ चेक कर लें, तो 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3 + 1 = 4 डिवाइड बाई 2 - 4 कितना हो गया, 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन या 6 ट्रांजिशन है। अब अगर आपको 5 से 1 बोला है तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दो खत्म, 5 से 1, तो 5 - 1 = 4, 5 - 1 = 4 + 1 = 5 डिवाइड बाई 2 - 4 कितने, 10 ट्रांजिशंस या 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ऐसे आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो। तो ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रम का वीडियो, इसमें एक टॉपिक ये बचा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ाया सर ने, तो इसको हम छोटा सा करके बता देंगे अगले वीडियो में। अब आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं एक वेव है, और बोहर का मॉडल अब फेल होगा क्योंकि अब डी ब्रोए और हीजनबर्ग अपनी थ्योरी लेके आएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।